हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवन। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से आउट की गई है। कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई है, नंबर ऑफ वैकेंसी के तहत क्या देने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कौन से ग्रुप के लोग अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सैलरी क्या मिलने वाली है, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाई वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, जहां पर आपको होम पेज पे ही करियर सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएगी या आपको पब्लिक नोटिस में भी वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ डिटेल्स दी गई हैं, ये मैं डिटेल्स डाउनलोड कर लिया है, तो देख लेते हैं कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस के लिए है एंड ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर U50 दिया गया है। पोस्ट है कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए, ऑन रिजल्ट में 12 है, OBC NCL में 9 है, SC में 7 है, NEWS के लिए 3 वैकेंसी है, PWD एंड ASM के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। एंड सैलरी लेवल की बात करें तो लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 27,200 से यहाँ पर स्टार्टिंग आपकी होगी, जो कि बेसिक लेवल होगा। एंड एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, SC एंड OBC NCL में आते हैं, तो आपको एज में 5 ईयर की छूट यहाँ पर दी जा रही है। इसके अलावा ASM को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ UP के रूल्स के हिसाब से यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। एंड एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके अलावा आपका हिंदी टाइपिंग स्पीड में 30 words per minute आपकी स्पीड होनी चाहिए। एंड आवेदन शुल्क यानी फीस की अगर बात करें तो SC ST के लिए यहाँ पर 826 है, जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 1180 है एंड PWD कैंडिडेट के लिए ओनली 12 rupees आपको फीस पे करनी है। सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पर आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, जिसके लिए आपको 3 hours का समय दिया जाएगा। एंड जिसमें फर्स्ट पेपर में आपके NIELIT के CCC लेवल के कंप्यूटर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड टोटल क्वेश्चंस यहाँ 50 होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 mark का होगा एंड रॉन्ग आंसर देने पर 1/4 नंबर भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट पेपर में आपको कम से कम 20 नंबर अचीव करना ज़रूरी है, तभी आपका सेकेंड पेपर चेक किया जाएगा। सेकेंड पेपर में आपको यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल स्टडीज व रीजनिंग से 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 25 मार्क्स होंगे, जनरल हिंदी 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स होंगे, जबकि रीजनिंग से 45 होंगे एंड इंग्लिश से आपके यहाँ पर 55 क्वेश्चन 55 मार्क्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 180 होंगे एंड मैक्सिमम 180 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर भी प्रत्येक रॉन्ग आंसर देने पर 1/4 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट में यहाँ पर सेकेंड पेपर के मेरिट के बेस पर यहाँ पर आपको हिंदी व अंग्रेजी के टाइपिंग स्पीड की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कम से कम 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जितनी भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी है उसके 3 गुना अभ्यर्थियों को तृतीय पार्ट यानी टंकड़ परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद लास्ट जो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है वो सेकेंड पेपर यानी कि जो आपने 180 मार्क्स के बेस पे और 20 नंबर आपके टाइपिंग स्पीड के बेस पर टोटल 200 मार्क्स के बेस पर यहाँ पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद ही आपका यहाँ पर लास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। 6 सितंबर 2022 से 6 अक्टूबर 2022 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो 6 अक्टूबर को ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।